सुप्रभात बच्चों बच्चों, आज मैं आपको हिंदी में फिर से एग्जाम के लिए तैयारी कराऊंगी। हिंदी के सारे क्वेश्चंस बताऊंगी और उसका आंसर बताऊंगी। आप इसे ध्यान से देखोगे और इसे तैयारी करोगे। आपका एग्जाम, हिंदी का एग्जाम सोमवार को है। सोमवार को आप इसे, आपके लिए 2 दिन का समय मिल गया, शनिवार और रविवार। आप इसे अच्छी तरह से देख के और एग्जाम के लिए तैयारी करोगे। तो चले देखें जो हिंदी में क्या क्या क्वेश्चन सब होता है। आपका क्वेश्चन तो मौखिक है, तो पहले हम अ से लेके अ तक सुनाना है हमें। तो अ से लेके अ तक में हम अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। एक बार फिर से दोहराएं। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। अब क से लेके म तक, क से म, क से म, क्योंकि ये व्यंजन है, क से न तक। तो क, ख, ग, घ, अङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, ड, ढ, न, प, ख, ब, घ, म। तो इस तरह हम क से लेके म तक भी सुना सकते हैं आसानी से। क, ख, ग, घ, अङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ड, ञ, क, ख, ग, घ, म। अब आगे हम और क्वेश्चन इस तरह लिखते हैं। तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो घर में कौन कौन होते हैं, दादा, दादी, पापा, मम्मी, भैया, दीदी, चाचा, चाची भी होते हैं। तो जो भी आपके घर में होंगे आप सबका नाम बताएंगे। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तुम्हारे एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तुम्हारे एक हाथ में बच्चों हमारे शरीर में कितने पैर हैं, एक, दो, तो इसका उत्तर हम देंगे दो। अब हम दो अक्षर वाले शब्द भी बता सकते हैं। दो अक्षर वाले बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन नजर ना, अब, घोड़ा, घर, चल, 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 फल, फल, यही सब पढ़ते हैं। अब, अब, घोड़ा, घर, नल, नल, फल, फल, हल, हल, चल, चल। तो
ये सब हम आसानी से बता सकते हैं। अब घोड़ा घर नल नल फल फल जल जल, तो इस तरह हम दो अक्षर वाले शब्द भी लिख सकते हैं। अब हमें फल का नाम बताना है। फल का नाम, तो फल तो हम लोग खाते हैं, अभी सर्दियों में भी कुछ फल मिलते हैं जैसे नारंगी, सेब और आम, तो सभी खाते हैं, सभी को पसंद है आम, केला, लीची, अनार, अंगूर, तो बहुत सारे फल हैं। लेकिन कुछ फल हैं जो हम लोग हमेशा ही से खाते हैं, नारंगी, सेब, आम, केला, लीची, अनार, अंगूर, ये फल सब हम लोग बराबर खाते हैं, इसे हम देखते भी हैं। अब हम रात के समय आकाश में क्या देखते हैं बच्चों? सूरज को हम दिन में देखते हैं, लेकिन रात के समय आकाश में हम तारे देखते हैं और चांद देखते हैं। तो इस तरह हम इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, आप इसे अच्छी तरह से देखोगे। धन्यवाद बच्चों।